उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए 11 मई 2023 की डेट में शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के समायोजन से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन होना है, कई बार इसके लिए आदेश जारी किए गए लेकिन अब तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब इस नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, जहां पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक कार्यरत हैं लेकिन वहां पर स्वीकृत पदों के हिसाब से और छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षक सरप्लस हैं, तो उन विद्यालयों में टीचर्स का समायोजन किया जाएगा, मतलब वहाँ के शिक्षकों को किसी दूसरे स्कूल में समायोजित किया जाएगा जो भी सरप्लस टीचर होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। देखिए बताया गया कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषय शासन के पत्र संख्या दिनांक 7 सितंबर 2022 एवं 20 सितंबर 2022 एवं 30 सितंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक या सरप्लस कार्यरत शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था। आगे बताया गया कि खेद का विषय है कि शासन द्वारा स्पष्ट व्यवस्था बनाए जाने के बाद भी जनपदीय या मंडलीय अधिकारियों द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक या सरप्लस कार्यरत शिक्षकों के समायोजन संबंध में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अतः यहाँ पर कहा जाता है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 7 सितंबर 2022 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक या सरप्लस टीचर के समायोजन हेतु चिन्हांकन करते हुए संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आचार संहिता के उपरांत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे जुलाई 2023 से समायोजित अध्यापक नवीन विद्यालय में शिक्षण कार्य कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से फाइनल नोटिस जारी की गई, इसमें बताया गया कि जहाँ भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है, आप लोग जैसे निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होती है उसके बाद चिन्हांकित करिए कौन टीचर किस विद्यालय में सरप्लस है और उनका समायोजन करिए, ताकि जुलाई 2023 में जब विद्यालय खुलें तो वो नए विद्यालय में अपना कार्य करें। अब यहाँ पर देखिए ये प्रारूप दिया गया है, ये जनपद मंडल स्तर का प्रारूप है और ये यहाँ पर प्रदेश स्तर का प्रारूप है। दो तरीके से समायोजन होगा, पहले समायोजन संबंधित ज़िले में होगा, यानी ज़िले से ज़िले के अंदर समायोजित किया जाएगा टीचर्स को। जैसे मान लीजिए कोई ए विद्यालय है वहाँ पर दो टीचर ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई विद्यालय जहाँ पर मान लीजिए ऐसा कोई विद्यालय बी है जहाँ पर दो टीचर्स की कमी है और उन्हीं टीचर्स की कमी है जो संबंधित विषय के हैं और संबंधित कैटेगरी के हैं, तो उनको वहाँ पर समायोजित किया जाएगा। अगर जनपद स्तर पर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर मंडल स्तर पर समायोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी एक मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, अगर उसमें भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर प्रदेश स्तर पर उनको समायोजित किया जाएगा। तो फिलहाल ये आदेश यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की तरफ से, और आने वाले टाइम पर शिक्षकों का समायोजन होगा। तो ये सारी अपडेट हो गई, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।